हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर रियलमी फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद ऑन नहीं हो रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम अप बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है जिससे मोबाइल अपने आप ही रीस्टार्ट होकर खुल जाएगी और इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी, फिर आप अपने फ़ोन को चला सकते हैं। तो गाइस, अगर इस तरीके से ऑन नहीं होगा तो फिर क्या करना है, मोबाइल का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज़ कम करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है जिससे मोबाइल अपने आप ही रीस्टार्ट होकर खुल जाएगी, इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी, फिर आप अपने फ़ोन को चला सकते हैं। तो गाइस, इस तरह अगर फिर भी ऑन नहीं होगा तो फिर क्या करना है, मोबाइल का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम अप और डाउन बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा और कम करते हैं, इन तीनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है जिससे मोबाइल अपने आप ही रीस्टार्ट होकर खुल जाएगी, जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी और इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो गाइस, इन तरीकों की मदद से आप अपने फ़ोन को सही कर सकते हैं। जैसे ही इतना कर लेते हैं, अब आपको चेक करना है फ़ोन चार्ज है कि नहीं है, अगर चार्ज नहीं रहेगा तो चार्ज कर लेना, फिर कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। समय समय पर आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा, इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी, फिर आप अपने फ़ोन को चला सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।